गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी स्टूडियोज विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो आज दोपहर 12 बज चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़ चुके हो, जहां रेगुलर मैं आपको ग्रुप डी या फिर कहें एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्लास या फिर क्वेश्चन जो कहें प्रोवाइड करा रहा हूँ। सबसे पहले बताएं, आई एम विजिबल और नॉट, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है क्या? बिल्कुल मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मैं दिख रहा हूँ बिल्कुल, मैं कमेंट भी दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज फिर से 25 सवाल, और आज यकीन मानिए आज बहुत मज़ा आने वाला है ये 25 सवाल में, क्योंकि रोज़ बच्चे कहते थे सर कुछ नया होना चाहिए, तो आज कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। और माय डियर, मैं आपको बताऊं कि आज 22 तारीख है, 22 सितंबर है, और आज से दो दिनों के लिए, आज 23 और 24 तक ज़बरदस्त ऑफ़र आपको अनअकैडमी दे रहा है, जिसको आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वो क्या ऑफ़र है, क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा ये है, अब तक मैं कहता था कि मेरे जो कोड हैं, रेफरल कोड बाबा10, उससे आप 10% फ़ायदा उठाइए, लेकिन अब 24 सितंबर लास्ट है, यानी 15% प्लस 10% तो फ़ायदा उठा सकते हो एक साथ 4 दिन, किसमें? तो एसएससी कैटेगरी में और बैंकिंग कैटेगरी में। इसके अलावा माय डियर, मेरी क्लास कितने बजे लगेगी? 12:40 पे, तो आप इस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, जिससे आपको केवल जीएस ही नहीं, यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जितने भी एजुकेटर देखते हो ना जो एसएससी कैटेगरी में पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे, जितने एजुकेटर आपको दिख रहा होगा उन सब की क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, तो इस ऑफर का फ़ायदा आप जरूर उठाएं माय डियर, है ना। अब देख सकते हो जो प्राइस है वो कितने कम कर दिए गए, अभी 7800 था, मात्र 5967 रुपये है, यानी 2000 की सेविंग है, और प्लस जो आपको ऑफर मिल रहा था एडिशनल मंथ का वो तो है ही, 8 मंथ एक्स्ट्रा नहीं। और रेलवे की क्लास की बात करें तो इसका प्राइस अभी हाइक नहीं हुआ, अभी भी स्टिल वही है, मेरी क्लास आपको 9:05 में सुबह मिलेंगे, तो आज जरूर ज्वाइन करें जिससे कि कल आप क्लास कंटिन्यू कर सको, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारे रेफरल कोड बाबा10 जो BA BA10 लगाकर फ़ायदा उठाएं, अभी 15% प्लस 10% का फ़ायदा। चलिए सवाल नंबर 1 के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन, कौन सा सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सबसे पहले खोजा गया था, ढूंढा गया था, सर्च किया गया था? हाइड्रोजन, जेनॉन, नियॉन, हीलियम, क्या होगा? जल्दी, तो यू नो दैट, अगर मैं बात करूं सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में हीलियम खोजा गया था। अच्छा, कौन सा गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सूर्य में, कौन सा गैस सबसे ज्यादा मात्रा में है, हाइड्रोजन है या हीलियम है? किस गैस की मौजूदगी सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, हाइड्रोजन या हीलियम? सबसे ज्यादा मात्रा आपको हाइड्रोजन की देखने को मिलेगा, इसके बाद फिर हीलियम, इसीलिए कहते हैं हाइड्रोजन संलयन या नाभिकीय संलयन, सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य का ऊर्जा है ना। तो हीलियम का पहला साक्ष्य भारत में ही बच्चे 18 अगस्त 1868 को फ्रांसीसी खगोल शास्त्री जूल्स जॉनसन द्वारा प्राप्त किया गया, और दक्षिण भारत में आकर इसे देखा गया था, दक्षिण भारत में इसे देखा गया था। भारत की अगर मैं बात करूं, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया की बात करूं, तो भारत में, दक्षिण भारत में देखा गया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कौन से यूरोपीय कंपनी भारत आई है, फ्रेंच, अंग्रेज, डच, डैनिश? क्वेश्चन नंबर 2, विच यूरोपियन कंपनी केम टू इंडिया आफ्टर द पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कौन सी कंपनी भारत आई है? तो आप देखोगे डच, क्यों कई लोगों को लगता है अंग्रेज, लेकिन अगर आप देखोगे तो पुर्तगाली कब आती है, 1498 में, फ्रेंच कब आते हैं, 1664 में, अंग्रेज कब आते हैं, 1608 में, डच आती है 1602 में, और डैनिश आते हैं 1616 में। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की जाती है, लेकिन वो भारत आने में लेट करते हैं, यानी भारत आने में लेट करते हैं, दैट मीन्स कब, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, याद रखना, ठीक है भाई, क्लियर है? पूरे ईयर से समझ में आ गया, तो ये पूरी कहानी है, सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डा गामा भारत आता है, ठीक है।
हाँ डच को हॉलैंड कहते हैं, डच को आप हॉलैंड कह सकते हो, ठीक है। वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? असम के राज्यसभा, असम में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सवाल नंबर तीन, करेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज रिलेटेड टू विच राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो अगर आप मनमोहन सिंह की बात करोगे, जब ये प्रधानमंत्री थे तब ये असम से राज्यसभा सदस्य थे, तब ये असम से राज्य सभा सदस्य थे जब प्रधानमंत्री काल में। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें तो ये राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। तो सर राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। चार प्रधानमंत्री हुए हैं, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह और आई के गुजराल है ना। अरे बात समझ में, तो चार प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा सदस्य हुए हैं, राज्यसभा सदस्य हुए हैं। हाँ बच्चे ट्रिक है ईद में गम, लेकिन गम क्यों दे, खुशी बांटिए, चार है ना। आगे तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए बिल्कुल निर्विरोध, यानी इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ था चुनाव में। हु डिस्कवर्ड द यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांग की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एलेक्सेंड्रा वोल्ट, लुई पास्टर। क्वेश्चन नंबर चार, रॉबर्ट हुक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की खोज किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। आज 1:30 PM पे क्लास मिस मत करना, आज यकीनन आपको हिस्ट्री के कुछ नए सवाल, अपडेटेड सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। वोल्टा ने क्या किया? बैटरी की खोज। लुई पास्टर की बात करें तो जो मिल पास्टुरीकरण है उसके बारे में, तो रॉबर्ट हुक ने 1660 में हुक के नियम या प्रत्यास्थता के नियम या यंग प्रत्यास्थता गुणांक की खोज की है। गौरव कल 5 बजे क्लास नहीं होता बच्चे। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो तड़ित चालक। पृथ्वी के वायुमंडल से परे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, एरोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी सवाल नंबर 5 बता दो क्या होगा। चेंजिंग इंडिया बुक मनमोहन सिंह, चलिए अति सुंदर। एस्ट्रोनॉमी, अच्छा ये बता दो मेट्रोलॉजी क्या बच्चे, मेट्रोलॉजी क्या जरा बता दो फिर, जब एस्ट्रोनॉमी यही है तो मेट्रोलॉजी क्या है फिर बता दो जरा, मेट्रोलॉजी क्या है जरा बता दो। देखो मेट्रोलॉजी क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल और उसकी घटनाएं जैसे मौसम, जलवायु, ये मेट्रोलॉजी है, ये मेट्रोलॉजी है ना। क्लाइमेट, वेदर नहीं बोलना, वेदर और क्लाइमेट में अंतर है, वेदर और क्लाइमेट में अंतर है। ओशियनोग्राफी, सागर के अन्वेषण और अध्ययन को ओशियनोग्राफी बोलते हैं। और तीसरे की बात करें, पैलेंटोलॉजी की बात करें तो जो प्रागैतिहासिक या भूगर्भीय समय में अस्तित्व में था, ठीक है, जब फॉसिल्स की बात करें, जीवाश्म की बात करें, उसके अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अरे बातें समझ बच्चे, हाँ क्लाइमेट, वेदर मत बोलना बच्चे। नेक्स्ट, मैग्नीशियम किसका एक घटक धातु है? मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूंट मेटल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या होगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून माय डियर, गुड आफ्टरनून। किसका ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है,
माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं भैया, क्या कहते हैं इसे, पावर हाउस कहते हैं, राइसोसोम क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम हरे वर्णक क्लोरोफिल का एक अनिवार्य घटक है जो वस्तुतः सभी पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होते हैं ना बच्चे, वो क्लोरोफिल वर्णक पे, पिगमेंट पे डिपेंड करता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण मैग्नीशियम है, महत्वपूर्ण मैग्नीशियम है। कौन सा घटक एक प्रवर्धक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड इज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर? क्वेश्चन नंबर 7, बताइए क्या होगा। ट्रांजिस्टर, अब लगाओगे डायोड? हाँ लगाओ, डायोड लगाओ, लगाओ डायोड लगाओ, ट्रांजिस्टर। तो एक ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक चालक उपकरण है, सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संकेतों या विद्युत शक्ति को बढ़ाने या उसे स्विच करने के लिए किया जाता है। आ रही बातें समझ में? ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए, यानी किस गैस के मदद से ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन? क्वेश्चन नंबर 8। तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में क्लोरीन गैस का मददगार, क्लोरीन गैस मदद करता है, कौन करता है? क्लोरीन गैस मदद करता है। क्लोरीन गैस के साथ चूना CaOH2 का उपचार करके औद्योगिक रूप से कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, हम उसे उत्पादन करते हैं। ठीक है, उत्पादन करते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट की अगर मैं बात करूं तो एक अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaClO2 है। ये केमिकल फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ओजोन परत में कमी देखने को मिलता है किसके कारण? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9। फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन, बहुत बढ़िया। क्लोरीन क्या करता है बच्चे? पानी को दूषित करता है फ्लोरीन, पानी को दूषित करता है फ्लोरीन, ये याद रखना। तो भाई कौन? कोई नहीं। ओजोन परत में कमी के कारण? कोई नहीं। मीथेन के कारण कहाँ ओजोन परत कमी होता बताओ जरा, जो आप CH4 लगा रहे हो, CH4 के कारण मीथेन में कमी, ओजोन में कमी होता है क्या? मीथेन के कारण ओजोन परत में कमी होता है क्या? नहीं ना। तो क्या होगा भाई? CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर से बेसिकली देखने को मिलता है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोजिनेटेड ओजोन रिफिलिंग पदार्थ मुख्य रूप से मानव द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थ ओजोन के छिद्र करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हाँ, ओजोन की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो हम डॉबसन पद्धति से मापते हैं। डॉबसन यूनिट है वो, क्या है? डॉबसन। 16 सितंबर जो भी बीत गया, ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन कहाँ पाया जाएगा? तो सम तापमंडल में, 90% 10% क्षोभ मंडल में। ठीक है भाई। हाँ, ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। नेक्स्ट, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए सुरक्षित है? लायन, डियर, टाइगर, बियर? क्वेश्चन नंबर 10 बता बच्चे जल्दी, क्या होगा? सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए सुरक्षित है जल्दी? बाघ के लिए। किसके लिए? टाइगर, रोर, रोर द टाइगर, है ना। तो सरिस्का और राजस्थान, सरिस्का और रणथंभौर राजस्थान में है, जो टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। देखो बाघ की फोटो बना के भेजने दो। अच्छा, ये बाघ है या बिलौटा भेज रहे हो या सुमंत? बाघ भेजो या बिलौटा? विशालकाय पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जायंट पांडा? आलुरपोदा, मिलनाओ लेउका, बालेनोपेट्रा मस्कुलस, डिनोस फ्लेक्सिप्सस या हेलियाटियस लेकोसेफलस? क्या होगा? बिलौटा है, हमें लग रहा है वो बिलौटा है, वो बाघ था ही नहीं, बिलौटा भेज रहा है उसने। तो भाई आलू परोदा,
आलूर पौधा ये विशालकाय पांडा का वैज्ञानिक नाम है। और याद होगा आपको वैज्ञानिक नाम पूछा था CBT 1 में भी, CBT 1 में वैज्ञानिक नाम पूछा था एक। तो आप देखो आलूर पौधा जो है मिलनाउन लेऊ का, वो विशालकाय पांडा का, बालनोपटेरा ब्लू वेल जो सबसे बड़ी मैमल्स हैं, डेनोस प्लेक्सिप्स रानी तितली, और ईगल का आपका हेलियाटियस है ना भाई। नेक्स्ट की बात करें बच्चे, CDMA का फुल फॉर्म क्या होगा? CDMA का फुल फॉर्म बच्चे CDMA का फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये CDMA है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस? अब पता GSM और CDMA में अंतर क्या है कि CDMA मतलब बंधुआ मजदूर। अभी जियो का जो मोबाइल आया देखा होगा आपने, या पहले रिम चलता था जो, भाई कुछ नहीं कर सकते हैं वो, सारा मोबाइल में ही डेटा फीड है, सिम अलग नहीं होगा। और GSM क्या है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, हम चाहें तो वन प्लस का मोबाइल यूज करें, एप्पल का यूज करें, पपीता का यूज करें, सेब का यूज करें, जियो का यूज करें, जिसका यूज करें, अंतर यही है ना। आई बात समझ में? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1952, 1966, 1996 या 2006? सवाल नंबर 13। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो 1952 में, 1952 में इन्वेंट किया गया, आविष्कार किया गया 1952 में, है ना। तो 1952 में ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी ने दो दशक पहले जॉन टंडाल के प्रयोगों के आधार पर पहली बार वास्तविक फाइबर ऑप्टिकल केबल का आविष्कार किया। इसीलिए नरेंद्र कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स के पिता के रूप में जानते हैं। अभी आप देखोगे तो पंजाब के मोगा में जन्मे फादर ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से मशहूर कपानी का दिसंबर 2020 में 94 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। केंद्र सरकार ने कपानी जी को मरणोपरांत देश की दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2021 से नवाजने की घोषणा की है। तो ये सब याद रख लीजिएगा बच्चे, ठीक है। भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1990, 91, 93, 99? सवाल नंबर 14 जल्दी। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1990 में। कब किया गया था? 1990 में नियुक्त किया गया था। आप देखोगे तो VS रमा देवी को 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक भारत के 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। बच्चे याद रखना, जो 13वें राज्यपाल थी वह TN सेशन के बाद प्रभार संभाली, ठीक है। किसने चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था? राणा प्रताप, राजा धंग, परमार राजा भोज, पृथ्वीराज चौहान। सवाल नंबर 15। मजा आ रहा है ना आज? तो किसने चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था? परमार राजा भोज, परमार राजा भोज, ठीक है। तारीख़े फिरोजशाही के लेखक कौन है भाई? तारीख़े फिरोजशाही के लेखक शमसे सिराज अफ्रीक, जियाउद्दीन बरनी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी, सिराजुद्दीन अली यजदी। क्वेश्चन नंबर 16, जियाउद्दीन बरनी, यही है परमार राजा भोज। गाना नहीं सुने हो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो तारीख़े फिरोजशाही यानी क्या कहें, फिरोजशाह तुगलक FST की बात करता है, जियाउद्दीन बरनी ने लिख दिया। किस शहर में 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा माय डियर? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस। क्वेश्चन नंबर 17।
जूही जी आप कहते हैं सर मैं सिलेक्शन ले लूँगी, तो भाई क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं, यहीं से ले आए हैं, एग्जाम से लाए हैं, लॉस एंजलिस भाई 2024 पेरिस होगा, 2028 लॉस एंजलिस होगा, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे देखो, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा बच्चा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 65% है ना, वायुमंडल में 21% और पृथ्वी क्रस्ट पे 46%। ये देख सकते हो तीनों जगह, तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा 65% 46% क्रस्ट में और 21% वायुमंडल में, दूसरे नंबर पे वायुमंडल में। कौन सा झरना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा, भेराघाट, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा 2032 ऑस्ट्रेलिया। सर कितने बजे क्लास होता है, 12 बजे क्लास होता है दोपहर में, बताओ क्या होगा। कौन सा झरना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, तो भालकुंड आप बताइए किस नदी पर है। अच्छा ठीक है इस पर नहीं है, तो किस नदी पर है, मान लो यही सवाल है कि भालकुंड झरना किस नदी पर है, भालकुंड झरना किस नदी पर है वाटरफॉल, तो भैया राहतगढ़ जलप्रपात या भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर बना हुआ है, और बीना नदी मध्य प्रदेश के प्रमुख नदी है। बीना नदी का उत्पत्ति का स्थान रायसेन जिला है। बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। बीना नदी मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ तहसील से बहते हुए बेतवा नदी में मिल जाती है। तो कहाँ पे, बीना, किस पे, बीना, ठीक है। कौन सा राज्य नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पे, बताइए क्या होगा, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बच्चा दूध सागर मौनवी नदी पर, तो हमें लग रहा है कि गोवा जाना है आपको, पहले सिलेक्शन ले लो, ब्याह कर लो, फिर गोवा चले जाना, अकेले जाओगे मजा नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा ना, क्या करोगे, सारे कपल देखोगे, आप अकेले रहोगे, फिर वापस आ जाओगे क्लास करने, मध्य प्रदेश। तो एनीमिया मुक्त सूचकांक में मध्य प्रदेश, एनीमिया की बात करें तो ये विटामिन B12 के कमी से जनरली एनीमिया देखने को मिलता है ना। कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला पहला देश बन गया, क्या हो गया भाई, क्यों हंस रहे हो, बताओ कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला पहला देश बन गया है, तो अल सल्वाडोर। अच्छा कौन सा देश है जो बताइएगा कि माइंस पर रोक लगा दिया अपने देश में, माइंस पर रोक लगा दिया है, माइंस पर रोक लगा दिया, अल सल्वाडोर अगर होगा तो यस लिखना, थंब मत दिखाना, नहीं तो बिल्कुल यस लिखने लायक भी नहीं रहोगे बच्चे। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पद्म सम्मान की तर्ज पर नागरिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो असम ने, किसने, असम सरकार ने पद्म सम्मान की तर्ज पर, जैसे भारत रत्न है तो असम रत्न नाम होगा, ठीक है याद रखिएगा बिल्कुल। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों के रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, मेलबर्न, ऑकलैंड, ओसाका, वियना, क्वेश्चन नंबर 23। ऑकलैंड न्यूजीलैंड, बहुत सुंदर। तो भैया सबसे अच्छा शहर बच्चे रहने लायक ऑकलैंड एंड न्यूजीलैंड है, जाओगे क्या, बहुत खूबसूरत है माय डियर, बहुत खूबसूरत न्यूजीलैंड। अभी न्यूजीलैंड पूरे चर्चा में है, क्यों चर्चा में है भाई, इसने पाकिस्तान को ठेंगा दिखाया है, कैसे दिखाया, ठेंगा दिखाया ऐसे करके, भाई मैच खेला ही नहीं, सोचो टॉस होना था और टॉस के पहले पब्लिक आई हुई है, न्यूजीलैंड ने गेम खेल दिया, निकल दिया वहां से, जा नहीं खेलेंगे मैच,
अब देखो न्यूजीलैंड के तर्ज पे इंग्लैंड ने भी ठेंगा दिखा दिया, इंग्लैंड ने भी ठेंगा दिखा दिया। सोचो यह कहानी है, पूरा चर्चा में न्यूजीलैंड अभी है ना। हाँ, ईडन पार्क ऑकलैंड में बच्चे, मतलब सोचो बहुत जबरदस्त रहा यार। मैं स्टोरी में पढ़ रहा था तो कहानी ऐसा था कि पूरे दर्शक परेशान थे कि अब टॉस होगा, पता चला निकल दिया उसने। आगे देखो तो वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2021 में बच्चे कौन जारी किया, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी किया है। और दुनिया का सबसे खराब शहर दमिश्क सीरिया में है। कौन है भाई? सीरिया में है ना। हाल ही में नीति आयोग ने 2021-22 में निजीकरण के लिए किस बैंकों के नामों की सिफारिश की है? सही कह रहे हो, टेंगा ही लाइक बोलते हैं, नहीं सही कह रहे हो बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज देखो कि मतलब यूएन घोषणा नहीं कर सका कि पाकिस्तान में आतंकवादी की फैक्ट्री है, लेकिन क्रिकेट खेलने वाले देशों ने यह घोषणा कर दिया कि पाकिस्तान ही आतंकवाद की फैक्ट्री है, जननी है। कैसे? देखो न्यूजीलैंड नहीं खेला, इससे क्या साबित हो रहा है कि भाई आतंकवादी है। इंग्लैंड भी मना कर दिया, इससे क्या साबित हो रहा है भैया आतंकवाद की फैक्ट्री है। श्रीलंका की टीम खेलने गई थी, उसके बस पर हमला हो गया था, इससे क्या साबित हो रहा है आतंकवाद की फैक्ट्री है। ये भी बहुत जबरदस्त है ना। तो भाई कौन कौन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI है और आईओबी है ना। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है को 9 जून 2021 को उनकी 121वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया? वीर नारायण सिंह, गोपीनाथ बोरदोलोई, वीर सावरकर, बिरसा मुंडा। सवाल नंबर 25, तो बिरसा मुंडा। गोपीनाथ बोरदोलोई ये असम के हैं और इनके नाम से एयरपोर्ट है गुवाहाटी में, इनके नाम से एयरपोर्ट है रांची में, इनके नाम से एयरपोर्ट है अंडमान में, है ना, याद रखना। कौन है? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाए गए कहाँ? तो राउरकेला में, उड़ीसा में, जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत के लिए। तो भाई ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं कुछ सीखा होगा आपने, कुछ नया क्वेश्चन देखा होगा। फिर से मैं बता दूं कि इससे अच्छा मौका ऑफर, क्योंकि जितना आप डिले करते हो, जितना आप सोचते हो कि लेट में ज्वाइन करेंगे, उससे आपका खुद का नुकसान है। क्यों? क्योंकि एग्जाम तो रुकेगा नहीं। देखो MTS 5 अक्टूबर से आ गए, आप सोचते रह गए, JD की डेट आ गई, आप सोचते रह गए। तो इस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं बच्चे, 15% और 10% का। 10% कैसे? तो एडिशनल यूजिंग या एजुकेटर कोड, जो हमारा कोड है, तो क्या बाबा टें, ठीक है। ये कब लास्ट करेगा? तो 24 सितंबर को लास्ट कर रहा है, ध्यान रखना। कब कर रहा है? 24 सितंबर को लास्ट कर रहा है माय डियर, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफर है वो स्टिल आपको मिल ही रहा है। और अगर आपका केवल रेलवे, तो हमारी टाइमिंग 9:05 पे रेलवे का, आप ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है, इस बार 19 सितंबर को हुआ था, इस बार फिर संडे को होगा, तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा कोड यूज करके बाबा टेन भाई। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलेंगे 1:30 PM पे, कहाँ पे? वाई फाई स्टडी मेन चैनल।